सवाल गौर से सुनिए। एक शख्स ने बैंक में सोना गिरवी रखा और कर्ज लिया। वो कर्ज कैसा है? सूदी? सूदी वो जायज ही नहीं है, शुरू से जायज नहीं है जी। आप चाहे सोना रख गिरवी रख करके कर्ज लें या जमीन के कागजात गिरवी रख करके कर्ज लें, अगर उस कर्ज में सूद है पहले से आपका बैंक के साथ एग्रीमेंट, तो शुरू से ही नहीं जायज है, तो बाद में जाने की जरूरत ही नहीं कि बाद में क्या होगा, वो पहले ही कदम पर नाजायज है जी। अब उसने वो मामला कर दिया जी, तो सवाल ये है कि एक शख्स ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि अगर उसने सूदी कर्ज लिया था तो पहले कदम पर हराम है, बल्कि उसकी नियत भी हराम है। लेकिन चलिए इसको दूसरी शक्ल में देखते हैं कि एक शख्स ने सोना गिरवी रखकर जायज तरीके से कर्ज लिया जी, एक आदमी के पास से कर्ज लिया। अब जब कर्ज की अदायगी की मुद्दत हो गई तो वो कर्ज अदा करने से कासिर, तो वो किसी दूसरे के पास गया और कहा कि मैंने फलां से इतना इतना सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया था, तो आप मेरा वो कर्ज अदा कर दीजिए और वो सोना रख दीजिए, आप खरीद लीजिए, वो मेरा कर्ज अदा कर दीजिए और वो सोना आप रख लीजिए। रख लीजिए मतलब आप उसके मालिक बन जाइए, मालिक बन जाइए। देखिए रहन में क्या, मैंने शुरू में जिक्र किया आप लोगों से कि रहन इसीलिए रखा जाता है कि जो कर्ज देने वाला आदमी है उस आदमी का जो माल है वो जाये ना होने पाए, गारंटी उसका हक जाये ना होने पाए। अब फर्ज कीजिए बाद में जो कर्ज लेने वाला है जिसने रहन रखा है, गिरवी रखा है, वो मुफलिस हो गया, गरीब हो गया, नहीं अदा कर पा रहा है, तो अब वो जो माल रहन गिरवी में रखा है अब वो माल किस वक्त काम आएगा। अब हुक्म ये है कि अगर इस्लामी निजामे हुकूमत है तो हम काजी के पास जाएंगे, जाहिर है हमारे यहाँ वो सब तो है नहीं, हम कुछ मुआशरे के कुछ सरकर्दा लोगों को जो इंसाफ कर सकते हों या उलमा आप कह लें जो अहकाम को जानते हैं उनको इकट्ठा करेंगे और उस सामान को बेचेंगे, उस सामान को बेच करके जितनी उस कर्ज खाह की रकम है वो अपनी रकम ले लेगा, जो बचेगा बाकी किसको दे देगा, जिसका जिसका जिसने गिरवी रखा था उसको दे देगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पूरी रकम वो कर्ज में लिया हुआ हो सकता है कर्ज तो 10,000 का है लेकिन उसका जो माल है वो 20,000 का है, तो जाहिर है 10,000 वो कर्ज खा ले लेगा, बाकी उसका 10,000 बच रहा है वो गिरवी रखने वाला ले लेगा। अब जो सवाल यहां पर आया कि किसी ने सोना गिरवी रख करके कर्ज लिया, अब बाद में वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा है, कहां से करे, तो इसकी एक शक्ल तो ये है कि उस सोने को बेच डालें, दोनों आदमी मिल के जाएं किसी सोनार के पास या किसी से भी उस सोने को बेच डालें और जो कर्ज की रकम है वो अपना ले ले, बाकी जो रकम है वो सोने का जो मालिक था वो ले ले। शेख ने अर्ज किया कि किसी तीसरे आदमी को ला रहा है और कह रहा है कि वो मेरा सोना आप ले लीजिए, मेरे कर्ज की अदायगी कर दीजिए। फर्ज कीजिए वो कर्ज जो है 10,000 रुपया है, अब गोया कि उस सोने को ये 10,000 में बेच रहा है, यही तो हुआ शेख, उस सोने को 10,000 में बेच रहा है और सोने का ये मालिक है, सोने का ये मालिक है, इसको इख्तियार है वो 10,000 में बेचे या 10 रुपए में बेचे, कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर अपनी रजामंदी से बेच रहा है तो वो बेच सकता है। लेकिन यहां पर जिसके पास वो सोना गिरवी रखा हुआ है उसकी इजाजत भी जरूरी है, जब वो मुफलिस हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी जाए कहे भाई मेरा जो गिरवी वाला माल है उसको लाइए मैं बेचने जा रहा हूं, इसलिए कि हो सकता है माल ले निकल ले, इसलिए उसकी इजाजत भी जरूरी है। बहरहाल दोनों आदमी के सामने ये मामला होना चाहिए और वो किसी भी तीसरे आदमी से वो सोना बेच सकता है और जितने में चाहे उतने में बेच सकता है, उस कोई चीज माने नहीं, कोई चीज रुकावट नहीं है।